Assalamu alaikum guys. Today the topic which we discuss that is generations of computers. We have five types of generations. First generation, second generation, third, fourth and fifth generation. First we talk about the topic that is first generation. Computers of this generation use vacuum tubes to perform calculations. इस जनरेशन में क्या था कि जो कंप्यूटर थे वो वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ करते थे जो भी उन्होंने कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना होता था. इस फर्स्ट जनरेशन में ड्रॉबैक ये था कि जो वैक्यूम ट्यूब्स थी वो एक तो बहुत एक्सपेंसिव थी और जो उनकी जो स्किल की जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो भी चाहिए होती थी जब उनको मैन्युफैक्चर करने में. और दूसरा इसका जो डिसएडवांटेज था वो ये था कि जो वैक्यूम ट्यूब्स थी वो आपके पास बहुत ज़्यादा यूज़ करने से गर्म होना शुरू हो जाती थी और क्या होता था वो जलना स्टार्ट कर देती थी. कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन वर वेरी लार्ज मशीन्स. इस जनरेशन में क्या था जो आप कंप्यूटर थे वो बहुत ही हाई कह लो कि उनका साइज था, यानी कि इन ऐसे कंप्यूटर्स को रखने के लिए आपको एक रूम की ज़रूरत होती थी. इस चीज़ से अब वैक्यूम ट्यूब्स के जलने की वजह से क्या हुआ कि आपका जो टाइम था वो बहुत सारा वेस्ट हो जाता था, क्योंकि एक वैक्यूम के ट्यूब के जलने से आपका सारा कंप्यूटर वेस्ट कह लो के यूज़लेस था. तो इस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने सेकंड जनरेशन को इंट्रोड्यूस करवाया. Second generation transistor was invented in 1947 by William Shockley and John Burdin and William Britton. Second generation क्या था कि transistors को introduce करवाया गया. अब इनके advantages क्या थे? Transistors are about the same size as one vacuum tube in a computer. 200 transistors को use किया जाता था as a one vacuum tube के बजाय. ये इसका एक कह लो कि एडवांटेज था. मच लेस एक्सपेंसिव दैन अ वैक्यूम ट्यूब. ये एक तो लेस एक्सपेंसिव थे वैक्यूम ट्यूब से. ट्रांजिस्टर कैन वर्क 40 टाइम्स फास्टर दैन अ वैक्यूम ट्यूब. और ये 40 गुना तेज काम करते थे वैक्यूम ट्यूब से. डू नॉट गेट हॉट एंड बर्न आउट लाइक अ वैक्यूम ट्यूब. ना ही ये गर्म होते थे और ना ही जलते थे वैक्यूम ट्यूब की तरह. एग्जाम्पल सेकेंड जनरेशन क्या है कि एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स आर IBM 7094 सीरीज एंड IBM 1400 सीरीज 564. ये तीनों ही इस जनरेशन की कह लो कि एग्जाम्पल थी. थर्ड जनरेशन में क्या था कि आपकी जो ट्रांजिस्टर से उन्होंने एक स्टेप आगे लिया. उन्होंने IC को इंट्रोड्यूस करा. द कंसेप्ट ऑफ IC वाज डेवलप्ड बाय जैक एस टी क्लियर टिल बी इन 1958. क्या था कि जो IC का जो कॉन्सेप्ट था उसको डेवलप कराया था जैक क्लियर ने. फर्स्ट IC वाज इन्वेंटेड एंड यूज इन 1961. पहले जो IC इंटीग्रेटेड सर्किट था जो चिप कह लो उसको इन्वेंट किया था 1961 में. एंड IC इज अबाउट 1.4 स्क्वायर इंच कैन एंड कैन कंटेन थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स. इसका जो साइज था 1.4 स्क्वायर इंच था और एक जो IC थी उसमें थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स मौजूद थे. द मेजर इन्वेंशन ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वॉज डिवेलपमेंट ऑफ IC. जो मेजर जो इन्वेंशन थी या कह लो कि जो थर्ड जनरेशन की जो सबसे बड़ी कामयाबी थी वो थी IC, क्योंकि एक IC में एक टाइम पे थाउजेंड ट्रांजिस्टर्स वर्क कर रहे थे. अब इसकी एग्जाम्पल क्या थी? दिस कंप्यूटर यूज मैग्नेटिक कोर एज इंटरनल स्टोरेज. द मोस्ट क्या था कि ये जो कंप्यूटर थे मैग्नेटिक कोर को यूज़ करते थे इंटरनल स्टोरेज के लिए. तो इसकी एग्जांपल कह लो IBM सिस्टम 360 कह लो PGV-8 ये सब इसकी एग्जांपल में आ जाते. फोर्थ जनरेशन में क्या था कि माइक्रो प्रोसेसर को इंट्रोड्यूस करवाया गया. द माइक्रो प्रोसेसर इज़ अ कम्प्लीट प्रोसेसिंग सर्किट ऑन अ चिप. माइक्रो प्रोसेसर क्या था, एक आपके पास एक पूरा साइकिल था, यानी कि एक साइकिल चलता था कोई भी चीज़ को प्रोसेस करने के लिए.
The Hoff produced the first microprocessor in 1971 for Intel, which was named as Intel 4. जो Hoff एक scientist था, उसने first जो microprocessor को introduce करवाया था 1971 में, वो था Intel का, which जिसको उसने जिसने उसको नाम दिया Intel 4004. Modern microprocessors are usually less than one square inch and can contain million of electronics. जो आपके modern microprocessors थे वो एक तो साइज में भी कम थे और जो उनका वो जो मुश्तमिल थे million of electronic circuits, यानी कि क्या लोग के उनकी साइज में भी कम थे और उनकी जो स्पीड थी वो भी बहुत ज़्यादा थी. Used in many electronic devices today such as wristwatches, microwave ovens and all.